हेलो, आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने गुड लाइफ की बात की थी कि एक अच्छी लाइफ कैसी होती है, जिसमें हमने बताया था कि आप अगर अगली सुबह उठने के लिए एक्साइटेड हैं, सुबह उठ के खुश हैं, आपका मूड अच्छा है, तो वो एक अच्छी लाइफ की परिभाषा है। तो इस पे मेरे और मेरे कुछ दोस्तों ने चर्चा की, तो एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने के लिए भी कुछ बोला जाए। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पे रहेगा कि हमको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम लोग उसको कैसे टैकल करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको दोनों प्रकार के थॉट्स आते हैं, रोज आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट्स का पावर बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा एनग्रॉसिंग होते हैं, और उनका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज्यादा डीप लेवल पे होता है। इसके एक एग्जाम्पल मैं ऐसा देना चाहूंगा कि ऐसे ही एक दिन काम जब मैं था ऑफिस में, तो उस दिन दिन भर मेरी कई लोगों से बात हुई फोन पे। शाम को एक सज्जन से मेरी बात हुई तो बहस हो गई। उनका बर्ताव थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो फिर मैं भी कुछ छोटा मोटा बोल गया, तो काफी बहस हो गई। और फिर वो जब मैं फोन रखा तो मैं बिल्कुल तिलमिला गया था, गुस्से में था। और फिर जब मैं वो सब काम खत्म करके घर आ गया तो भी मैं वही सब सोच रहा था। फिर अचानक से मैं कई बार वॉक करने जाता हूँ, तो मैं वॉक करने निकला तो थोड़े फ्री थॉट्स होते हैं। तब मैं ये चीज़ रियलाइज किया कि मैं दिन भर में 12-14 लोगों से बात किया था, और वो लोग बहुत अच्छे से बात किए थे, उनमें से कुछ लोग बल्कि काफी अच्छे से बात किए थे मुझसे। तो मैं उन 14 कॉल्स को साइड में रखकर एक खराब कॉल को इतना तवज्जो दे रहा हूँ, इतना उसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब थिंग्स आर नॉट रियली एज बैड एज आई एम थिंकिंग, इट्स जस्ट कि उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यही चीज होता है कि आप देखेंगे, आपका दुख हो, डिप्रेशन हो, एनजाइटी हो, या किसी चीज का डर हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा पकड़ के रखता है, और आपको ये रियलाइज नहीं होने देता है कि आपकी लाइफ में चीजें अच्छी भी हो रही हैं। भले उसके, जैसे इस केस में देखिए 14:1 का रेशियो है, 14 अच्छे कॉल्स थे, एक खराब कॉल था, लेकिन मेरा पूरा फोकस एक कॉल पे, 14 कॉल्स पे नहीं है। तो आप अगर मेडिटेट करेंगे या आराम से शांति से बैठ के सोचेंगे, चीजों को रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ को, लाइफ के बारे में सोचेंगे, तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स का पावर इतना होता है कि वो आपको रियलाइज नहीं करने देते। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खा जाता है, आपके अपने अंदर के जो सेल्फ बिलीफ है, आप कुछ करना चाहते हैं या आपकी कुछ इच्छाएं हैं या आपके कुछ एम्बिशंस हैं, उसको ये बिल्कुल दीमक की तरह खा जाता है, ये नेगेटिव थॉट्स। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो कैसे बचेंगे का सिंपल सा सोल्यूशन मेरे ख्याल से ये रहता है, दो चीजें हैं, क्योंकि यूजुअली हम गुस्सा होते हैं या नेगेटिव गुस्सा या नेगेटिव थॉट्स ऐसे कुछ भी आते हैं तो हमारी ईगो हर्ट हुई होती है, तो ऐसा होता है, या तो फिर हम बहुत खाली बैठे होते हैं। तो दोनों चीज का यही है कि आप एक अच्छा रूटीन अपना फॉलो करिए। आपके गोल्स होंगे लाइफ में, रिलेशनशिप के गोल्स होंगे, फाइनेंशियल गोल्स होंगे, हेल्थ रिलेटेड गोल्स होंगे, जो भी है उनको फॉलो करिए, एक अच्छा रूटीन बनाइए। तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप किसी ऐसे थॉट पे ज्यादा पॉन्डर करते रहें, उस पर आप ज्यादा समय देते रहें। और दूसरा ये है कि ईगो थोड़ा सा अपना साइड में रखिए, पर्सनली मत लीजिए, जो भी आपके साथ हुआ है, आप ये आप ध्यान देंगे कि 99% केसेस में वो किसी और के साथ भी हो सकता था या किसी और के साथ भी होता है, तो उसको पर्सनली मत लीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बोला गया, या मेरे जीवन में ऐसा घटित हो रहा है। तो पर्सनली मत लीजिए चीजों को, और एक अच्छा रूटीन रखिए। ये दो चीजें रखने से मेरे ख्याल से नेगेटिव थॉट्स काफी दूर रहेंगे, और नेगेटिव थॉट्स दूर रहेंगे तो फिर यू विल सी द मैजिक दैट लाइफ इज। मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने भी बहुत आगे बढ़ गया हूँ मैं, बट आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज अ फ्यू इयर्स अगो, एंड आई होप कि आगे और बेहतर हो। थैंक यू।